अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज के टोटल 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इन दोनों वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इससे पहले 2 पार्ट्स में मैंने आपको टोटल 24 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज ये आपके इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 3 है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। तो जितने क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि निम्न में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, यानी लास्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले मैंने आपको इस टाइप के करीब 5 से 6 क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कराए हैं और यही क्वेश्चन मैंने आपको करीब 2 से 3 बार पहले ही सॉल्व कराया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जब मैं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था वहां पे मैंने आपको इस टाइप के करीब 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और कहा था कि एंट्रेंस एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा और 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो जो मैं आपको कहता हूं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका आ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लेड। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्न में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है, तो जो लेड है यह संक्रमण धातु नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए कॉन्सेप्ट में आपको डिटेल में बता देता हूं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के कई बार बताए हुए हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको फिर से एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखिए, संक्रमण तत्व के बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब यहां पे संक्रमण धातु लिखा, यहां पे संक्रमण तत्व भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहां पे संक्रमण तत्व वाला ही लगेगा। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और जो यहां पे लेड है, जो करेक्ट आंसर हमारा यहां पे हुआ है लेड, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ध्यान रखिएगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, इसीलिए ये संक्रमण तत्व या फिर संक्रमण धातु नहीं होगा, क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु होते हैं, ध्यान रखिएगा, पहले भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। फिर इसके अलावा ऑप्शन बी में दिया है मैंगनीज, ऑप्शन सी दिया है चांदी और ऑप्शन डी दिया है टंगस्टन। ये तीनों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए ये तीनों संक्रमण तत्व होंगे या फिर संक्रमण धातु होंगे, लेकिन लेड नहीं होता क्योंकि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसीलिए ये संक्रमण तत्व या फिर संक्रमण धातु नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कैसे सॉल्व होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन सभी के एटॉमिक नंबर पहले लिख लीजिए। लेड, लेड का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 82 होता है, ये मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। मैंगनीज का होता है 25 और चांदी का होता है 47 और टंगस्टन का होता है 74, ठीक है। मैंने आपको संक्रमण तत्व के परमाणु क्रमांक ऑलरेडी बताए हैं कि कौन से परमाणु क्रमांक वाले तत्व संक्रमण तत्व होते हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एटॉमिक नंबर 21 से 30, ध्यान रखिएगा, कई बार मैंने आपको बताया, एटॉमिक नंबर 21 से 30, 39 से 48, फिर इसके बाद 57 से 80, फिर लास्ट में आता है 89 से 112, ध्यान रखिएगा। परमाणु क्रमांक 21 से 30, 39 से 48, 57 से 80 और 89 से 112 तक के परमाणु क्रमांक वाले तत्व
संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर 82 होता है लेड का। अब देखिए 57 से 80 तक के परमाणु क्रमांक वाले तत्व संक्रमण तत्व होते हैं, या फिर आप संक्रमण धातु बोल सकते हैं। तो 57 से 80 तक, लेकिन इसके बाद फिर क्या हो जाता है, 89 से 112 आ जाता है, यानी 82 तो आता ही नहीं एटॉमिक नंबर, यानी करेक्ट आंसर यही तो आपका हो जाएगा, ये संक्रमण तत्व नहीं है, ये संक्रमण धातु नहीं है। और उसके अलावा मैंगनीज का 25 होता है एटॉमिक नंबर, तो 21 से 30 के बीच में 25 आता है, तो ये तो होगा ही संक्रमण तत्व, ठीक है, या फिर संक्रमण धातु। फिर इसके बाद ऑप्शन सी दिया है चांदी, एटॉमिक नंबर 47 है, तो देखिए 39 से 48 के बीच में 47 ये एटॉमिक नंबर आता है, तो ये भी संक्रमण तत्व होगा या फिर संक्रमण धातु होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे टंगस्टन दिया है, तो देखिए टंगस्टन का एटॉमिक नंबर 74 होता है, और मैं आपको दिखा दूं 57 से 80 के बीच में जो एलिमेंट्स आते हैं, एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स जो आते हैं, वो क्या होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं या फिर संक्रमण धातु। तो टंगस्टन भी होगा यहाँ पे संक्रमण धातु, तो आप वैसे ही समझ गए होंगे। तो चाहे आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सॉल्व कीजिए, चाहे आपको ये पता हो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो संक्रमण तत्व होते हैं, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, जो आपको पसंद है उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा लेड। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक बार फिर से डिटेल में बता दिया, अच्छे से समझ लीजिएगा। बार बार इसलिए बताता हूं ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए, इसीलिए इतना डिटेल में क्वेश्चन बताता हूं ताकि आपको दोबारा कोई प्रॉब्लम ना हो। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, आर्द्रता ग्राही होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए आर्द्रता ग्राही को हम इंग्लिश में हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं, उसी हाइग्रोस्कोपिक को यहाँ पे हिंदी में करके लिख दिया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ का मतलब आर्द्रता ग्राही पदार्थ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चार ऑप्शंस आपने देख लिए, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा PbO यानी लेड ऑक्साइड, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लेड ऑक्साइड है ये हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस नहीं है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और उसके अलावा CuO, CaO और H2SO4 ये तीनों हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने आप लोगों से टेस्ट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जहां पे ऑप्शन में मैंने H2SO4 रखा हुआ था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे। तो आपको ध्यान रखना, जो H2SO4 है ये भी हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ होता है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। टेस्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था, सभी स्टूडेंट्स ने, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने रॉन्ग आंसर किया हुआ था, तो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे आते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ ये क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होगा। तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ, जब मैंने आपको केमिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड पढ़ाया था द्रव्य वाला, वहां पे मैंने आपको हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ के बारे में बताया था, आद्रता ग्राही पदार्थ के बारे में। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, वे पदार्थ जो नम वायु से नमी ग्रहण करके हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं परंतु संतृप्त विलयन नहीं बनाते, आद्रता ग्राही पदार्थ यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक वर्ड हमारा आया था संतृप्त विलयन, अब संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, तो ये भी समझ लीजिए, वह विलयन जिसमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है संतृप्त विलयन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ नहीं है पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर होगा PbO। और मैं आपको बता दूं ये तीनों आर्द्रता ग्राही पदार्थ हैं, और आपकी बुक में ये वाला एग्जाम्पल नहीं दिया है H2SO4 वाला, इसको नोट कर लीजिएगा, H2SO4 भी आर्द्रता ग्राही पदार्थ यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है। टेस्ट में पूछा था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे और गलत आंसर कर दिया था, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन यहाँ पे है कि घरेलू विद्युत वायरिंग में सभी युक्तियां 220 वोल्ट पर कार्य करती हैं
इसका तात्पर्य है कि वे, ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 1999 यानी 1999 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास 7-8 में आप लोगों ने क्वेश्चन को जरूर पढ़ा होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी समांतर क्रम में जुड़ी है, यानी घरेलू विद्युत वायरिंग में सभी युक्तियां 220 वोल्ट पर कार्य करती, इसका तात्पर्य है कि वे समांतर क्रम में जुड़ी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोबारा आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। बस अंतर यहां पे है कि थ्योरी पार्ट के बीच में से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन यहां पे है कि नीले थोथे को 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर प्राप्त होता है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2000 यानी 2000 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछा गया है और चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से पूछा गया। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, उसी चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है और आप लोगों से कहा था कि थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस बनते हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख भी रहा है आपको। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ना होगा। जो स्टूडेंट्स थ्योरी को अच्छे से पढ़ता है वही सॉल्व कर पाएगा। अभी आपको मैं एक क्वेश्चन नहीं करवाता और डायरेक्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम में दोबारा ये क्वेश्चन पूछा था तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आंसर नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं। करेक्ट आंसर यहां पे होगा ऑप्शन डी, CuSO4.H2O+4H2O। कैसे आया, चलिए मैं आपको समझाता हूं। यहां पे क्या लिखा है कि नीले थोथे को 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर प्राप्त होता है। नीले थोथे की बात हो रही है। सबसे पहले नीले थोथे का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 4 से 5 बार मैंने आपको बताया हुआ है। क्या होता है मैं लिख के आपको बताता हूं, CuSO4.5H2O ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि नीले थोथे को 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है ये मैंने लिख दिया, गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो क्या मिलेगा हमें जब रिएक्शन होगी, तो हमें मिलेगा CuSO4.H2O+4H2O, ये हमें यहां पे मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हुआ था, जो कि कहां दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। तो CuSO4.5H2O जब इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CuSO4.H2O+4H2O। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। चैप्टर का थ्योरी पार्ट चेक कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स वाला, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, ये रिएक्शन भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं जो आपके रिएक्शन से रिलेटेड होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2.2 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए CaCO3 के कितने भार की आवश्यकता होगी। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2000 यानी 2000 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। चार ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2.2 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए CaCO3 के कितने भार की आवश्यकता होगी, यानी CaCO3 के, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं। CaCO3 मैं लिखता हूं यहां पे CaCO3, जब इसकी रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पे मिलेगा CaO+CO2, ये हमें मिलेगा यहां पे जब रिएक्शन होगी। तो अब हम क्या करेंगे यहां पे, सबसे पहले जो CaCO3 दिया है इसका एटॉमिक वेट कैलकुलेट करेंगे, परमाणु भार कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए CA यहां पे सबसे पहले लिखा, CA से मतलब कैल्शियम होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, इसी का दोगुना इसका एटॉमिक वेट होता है 40। तो CA की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 40। तो मैंने यहाँ पे 40 लिख दिया जो कि इसका एटॉमिक वेट होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे C लिखा है, C से हमारा मतलब, ये जो C आपका है इससे हमारा मतलब होता है
कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसी का दोगुना इसका एटॉमिक वेट यानी 12 यानी 12 यानी 14 प्लस 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस का साइन लगाऊंगा O, O3, O से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इसी का दोगुना इसका एटॉमिक वेट होता है कितना, 16 होता है। और कितने हैं यहाँ पे ऑक्सीजन, 3 है, तो क्या कर देंगे 3 × 16 यानी 3 × 16 कर देंगे तो कितना मिलेगा, 16 × 3 = 48 होता है, यानी यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 48, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, 40, 12 और 48 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 100 ग्राम, ठीक है, क्या मिलेगा 100 और ग्राम में हम लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो 100 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे 2.2 ग्राम में आपका दिया तो हम यहाँ पे ग्राम में ही लिखेंगे जब इसका एटॉमिक वेट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए CaCO3 का एटॉमिक वेट हमें क्या मिल गया, हमें मिला 100 ग्राम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 और ग्राम, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 2.2 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए रिएक्शन हुई CaO प्लस CO2 मिला, तो अब हम यहाँ पे CO2 जो दिया है इसका एटॉमिक वेट कैलकुलेट करेंगे, इसका परमाणु भार निकालेंगे। तो सबसे पहले C है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, परमाणु क्रमांक 6, इसी का दुगना इसका परमाणु भार यानी 12 होता है। प्लस इसके बाद O2 दिया है, O से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 होता है, परमाणु क्रमांक 8 और इसी का दुगना इसका एटॉमिक वेट यानी 16। और 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16 यहाँ पे हो जाएगा, यानी क्या आएगा, 2 × 16 करेंगे तो आपको मिलेगा 32, यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, O2 की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे 32, लिख दिया 32, 12 और 32 को ऐड कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 44 मिलेगा, यानी हम यहाँ पे 44 ग्राम लिख सकते हैं CO2 की जगह, तो CO2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 44 ग्राम, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बहुत ही ध्यान से स्टेप को समझिएगा, देखिए 44 ग्राम, ठीक है, 44 ग्राम CO2 के लिए आवश्यक CaCO3 कितनी है, यहाँ पे 100 ग्राम है ना, अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ 44 ग्राम, ठीक है, 44 ग्राम CO2 के लिए, CO2 के लिए आवश्यक, शॉर्ट में यहां पे लिख दे रहा हूं, देखिए 44 ग्राम CO2 के लिए आवश्यक CaCO3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 ग्राम होगा ना, यही तो होगा, 44 ग्राम CO2 के लिए आवश्यक CaCO3 इज इक्वल टू कितना है, 100 ग्राम है, और हमें निकालना कितने के लिए है, 2.2 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए ना, कितना 2.2, तो फिर 2.2 ग्राम के लिए, 2.2 ग्राम के लिए आवश्यक, ठीक है, शॉर्ट में आप लिख दे रहा हूं, आवश्यक CaCO3 कितनी हो जाएगी, आवश्यक CaCO3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, अभी मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, ठीक है, 2.2 ग्राम के लिए हम यहां पे निकाल रहे हैं, बस इतना मैं यहां पे लिख देता हूं, 2.2 ग्राम के लिए आवश्यक CaCO3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे हो जाएगा देखिए 100, क्योंकि CaCO3 का एटॉमिक वेट हमने कैलकुलेट किया 100 आया था, और क्योंकि 2.2 ग्राम के लिए निकाल रहे हैं तो 2.2 रहेगा, और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पे 44 आ जाएगा, जो कि हमने निकाला हुआ है किसका, CO2 का एटॉमिक वेट, इसी को सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पे पॉइंट है, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हमारा यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है, जीरो आ जाएगा, 22 × 22 = 22, 22 = 44 होता है, और जीरो तो आगे आपका रहेगा यानी 20, और ये 20 × 20 और 20 × 25 100, यानी टोटल क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5 ग्राम, 5 ग्राम, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे से आपको समझना होगा, डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझा दिया है, बस आपको रिएक्शन करवानी थी, एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना था, उसके बाद सॉल्व कर लेना था, आपको आंसर मिला 5 ग्राम, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2001 में क्वेश्चन पूछा गया, 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। परमाणु क्रमांक 19 होता किसका है, पोटेशियम का होता है, पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं, 19 का एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, पोटेशियम को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2,
2P6, 3S2, 3P6, फिर इसके बाद यहां पे लास्ट में आएगा 4S1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 1, 19 हो गए ना। अब जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो पहले में दो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2s2, 2p6, 2 और 6, 8, फिर इसके बाद 3s2, 3p6, तीसरे में देखिए 2 और 6, फिर से 8, फिर लास्ट में देखिए 4s1, चौथे में एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे एक, यानी 2, 8, 8, 1 कहां पे दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, तो 2, 8, 8, 1 यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं अगर आपको करना नहीं आता तो। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन है K2Cr2O4। अब यहां पे O4 लिखा है, 7 नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा, O7 नहीं O4 है, ध्यान रखिएगा, इसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो K2Cr2O4 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या यानी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है। अब देखिए K2Cr2O4 लिखा, इसको हम पोटेशियम क्रोमेट के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा किस नाम से, पोटेशियम क्रोमेट। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूं K2Cr2 और O4, इसमें हमें Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो K से हमारा मतलब यहां पे पोटेशियम होता है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है ना, +1 ही तो होता है, और कितने पोटेशियम है, 2 है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं 2 × 1 यानी 2, यानी K2 की जगह क्या आ जाएगा, K2 की जगह हमारा यहां पे सीधे सीधे हम यहां पे लिख दे रहे हैं 2, इसकी जगह 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद प्लस का साइन, Cr2, Cr की निकालनी है, इसको हम x मानेंगे, और कितने 2 है, तो 2 × x यानी 2x आ जाएगा Cr2 की जगह, तो Cr2 की जगह हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, Cr2 की जगह लिखते हैं 2x, फिर इसके बाद प्लस का साइन O4, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, और कितने ऑक्सीजन है, 4 है, तो 4 × -2 करेंगे तो -8 आएगा, और ये माइनस और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे -8 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -8 और इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे K2Cr2O4 के ऊपर कोई चार्ज तो लगा नहीं हुआ है यहाँ पे, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये 2 है ये प्लस में, और ये यहाँ पे 8 है ये माइनस में, तो प्लस माइनस मिलके माइनस तो हो जाएगा, और लेस होने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, -6 मिलेगा, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे बड़ा है, -8 बड़ा और +2 छोटा, तो 2x इज इक्वल टू हमें यहाँ पे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 2x और -6 इज इक्वल टू पहले 0 मिलेगा, ठीक है यहाँ पे हो गया, या फिर जब हम 6 को बराबर के इधर भेजेंगे तो 2x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा ना, क्योंकि ये देखिए बराबर के इधर जाएगा तो ये इधर माइनस में था, इधर आके प्लस में हो जाएगा, या फिर x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 6/2, ये 2 × 1 = 2 और ये 2 × 3 = 6, एक्स की वैल्यू 3 निकली, जो कि हमने किसकी ऑक्सीडेशन नंबर, हमने यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन नंबर माना था, क्रोमियम का माना था, तो इसी का निकालना था, तो क्या मिला हमें, 3 मिला, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे O4 है, 7 नहीं है, ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 3। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि किसी पुरुष के स्वर की आवृत्ति 600 कंपन पर सेकेंड है तथा उत्पन्न ध्वनि तरंगों की लंबाई 2/3 मीटर है। यदि किसी महिला के स्वर के तरंगों की लंबाई 100 सेंटीमीटर हो तो उसकी आवृत्ति होगी। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे फ्रेक्वेंसी यानी आवृत्ति निकालनी है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में नहीं देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक कीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा कि किसी पुरुष के स्वर की आवृत्ति, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, तो आवृत्ति को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पे n1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 600 कंपन पर सेकेंड ये दी गई है, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, तथा उत्पन्न ध्वनि तरंगों की लंबाई, ध्वनि तरंगों की लंबाई से मतलब क्या हो जाएगा, हमें यहां पे लैम्डा की वैल्यू दी गई है, तो लैम्डा 1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 2/3 मीटर ये दी गई है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर उसके बाद यदि किसी महिला के स्वर के तरंगों की लंबाई, तरंगों की लंबाई से मतलब हो जाएगा लैम्डा 2 की वैल्यू हमें यहां पे क्या दी गई है, 100 सेंटीमीटर,
100 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मीटर में हमें चेंज करना होगा तो क्या आ जाएगा, एक मीटर, क्योंकि एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। लैम्डा 2 की वैल्यू एक मीटर हमें दी गई है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे क्या निकालना, तो उसकी आवृत्ति होगी, यानी यदि किसी महिला के स्वर के तरंगों की लंबाई 100 सेंटीमीटर दी गई है, हमें 100 सेंटीमीटर हो, तो उसकी आवृत्ति हमें निकालनी है, ठीक है। तो आवृत्ति यानी एन टू की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। इतनी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझा दी ना। अब फॉर्मूला हम यहां पे क्या यूज करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा एक होता है n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, बस इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसी में वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें यहां पर क्या करना है, n2 की वैल्यू को निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए n2 की वैल्यू को हमें निकालना, तो देखिए सबसे पहले वैल्यूज को पुट कर देते हैं। n1 की वैल्यू क्या है, 600 है, तो ये मैं यहां पे रख देता हूं। लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है, लैम्डा 1 की वैल्यू 2/3, ये मैंने यहां पे पुट कर दी। 600 × 2/3 इज इक्वल टू n2 की वैल्यू को तो हमें निकालना ही है, और लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी दी है, लैम्डा 2 की वैल्यू जो कि 100 सेंटीमीटर थी, मीटर में चेंज किया तो 1 मीटर है। यहां तक हमने कर लिया ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 × 1 = 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 × 2 = 6 और ये 0 तो आपका रहेगा ही, तो यानी ऊपर हमें क्या मिल जाएगा, 200 यानी 200 की मल्टीप्लाई हम दो में करवाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 400 मिल जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n2 की मल्टीप्लाई 1 में करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा n2 ही मिलेगा, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, यानी n2 इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 400। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 400 कंपन पर सेकेंड, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे दिया है, 400 कंपन पर सेकेंड, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ना, बस आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है। अगर आपको नहीं पता होगा तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉर्मूला जो बताया है और डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल दिया है। क्वेश्चन है कि एक विद्युत उपकरण का निर्धारण 880 वाट और 220 वोल्ट है, जब इसे 110 वोल्ट विद्युत प्रदाय से जोड़ा जाता तो यह शक्ति व्यय करता है, यह हमें फाइंड आउट करना है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2003 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, और इससे पहले भी मैंने आपको इस टाइप के कई क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या चीजें हमें यहां पर दी गई है। तो सबसे पहले लिखा है कि एक विद्युत उपकरण का निर्धारण 880 वोल्ट, यानी पी की वैल्यू हमें क्या दी गई है, पी की वैल्यू हमें यहां पर 880 वॉट ये दी गई है। फिर इसके बाद 220 वोल्ट है ये लिखा, यानी V की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, V की वैल्यू हमें 220 वोल्ट ये दी गई है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को निकालेंगे, प्रतिरोध को निकालेंगे, तभी हमारा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, ध्यान रखिएगा। तो बेसिक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V² / R होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है तो इस R को हम आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा V² / P हो जाएगा। तो V स्क्वायर की जगह V की वैल्यू क्या है, 220 है, स्क्वायर है तो 220 × 220 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 220 × 220, और P की वैल्यू क्या दी गई है, 880, ये हम कर देते हैं यहाँ पे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, 220 × 220 है और यहाँ पे 880 है, देखिए ये जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 22 × 22 होता है, 22 × 4 = 88 होता है, ठीक है, फिर 4 × 1 = 4 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 2 + 2 = 4, 5 = 20, यानी क्या मिलेगा, 55 ओम मिलेगा। रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो क्या मिला, 55 ओम, ठीक है, क्या मिला, 55, ये R की वैल्यू को हमने निकाला है 55 ओम, ये मैं साइड में ऊपर लिख दे रहा हूं, R की वैल्यू 55 ओम ये हमारी यहां पे निकली हुई है। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा, जब इसे 110 वोल्ट विद्युत प्रदाय से जोड़ा जाता है तो यह शक्ति व्यय करता है, यानी जब इसे 110 वोल्ट विद्युत प्रदाय से जोड़ दिया जाता है तब हमें यहां पे शक्ति कितनी व्यय हो रही है यह ज्ञात करना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 110 वोल्ट, ठीक है, 110 वोल्ट पर जोड़ने पर,
ठीक है, 110 वोल्ट पर जोड़ने पर ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है 110 वोल्ट पे जोड़ेंगे तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए V की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 110 वोल्ट हो जाएगी। पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि 110 लिखा हुआ है क्वेश्चन में साफ साफ, या फिर आप इसे यहाँ पे V डैश भी मान सकते हैं क्योंकि ऊपर भी हमने V माना हुआ था, तो यहाँ पे हम V डैश मान लेते हैं, ठीक है तो 110 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और R की वैल्यू हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल ली है 55 ओम, इसीलिए निकाला था ताकि हम इसे आगे सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब हमें यहाँ पे शक्ति निकालनी है तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में आर होता है, ठीक है। अब क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे क्या माना हुआ है, V डैश माना हुआ, तो यहाँ पे V डैश लगा दीजिए, P इज इक्वल टू V डैश और स्क्वायर अपॉन में आर लिख दीजिए, चाहे आप V डैश माने या ना माने इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे तो आप V भी लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर भी हमने यहाँ पे V की वैल्यू एक बार ली हुई थी 220 वोल्ट, तो इसीलिए नीचे हमने यहाँ पे V डैश मान लिया, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो देखिए V स्क्वायर मतलब 110 × 110 क्योंकि V की वैल्यू 110 है अब, और अपॉन में R की वैल्यू यहाँ पे 55 है, तो 55 × 55 = 110, दो की मल्टीप्लाई 110 में करवा दीजिए, आपको क्या मिलेगा 220, और किस में आएगा, वॉट में आएगा क्योंकि हम यहाँ पे शक्ति को निकाल रहे हैं तो वॉट में तो आएगा ही आएगा, तो 220 वॉट यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन ये भी था, प्रैक्टिस कीजिएगा एक से दो बार आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि अमोनिया कृत सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जिस गैस को प्रवाहित करने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है वह है। अब देखिए ये भी आपका थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चन बना हुआ है, आपकी बुक का क्वेश्चन है लेकिन थ्योरी पार्ट के बीच से बना है। अमोनिया कृत सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जिस गैस को प्रवाहित करने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है वह है। चार ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2003 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एसिटिलीन गैस। ध्यान रखिएगा मैं आपको रिएक्शन डिटेल में करके बता देता हूँ, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन आपका है, कार्बनिक यौगिक आपके सिलेबस में एक चैप्टर है, थ्योरी पार्ट जाके चेक कीजिएगा आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं अमोनिया कृत सिल्वर नाइट्रेट विलयन में एसिटिलीन प्रवाहित करने पर प्रतिस्थापन की क्रिया के फलस्वरूप सिल्वर एसिटिलाइड का सफेद अवक्षेप बनता है। मैं आपको रिएक्शन करके बता देता हूँ, काफी लंबी रिएक्शन है, C2H2, ठीक है। देखिए C2H2 किसका फॉर्मूला होता है, एसिटिलीन का होता है आपको पता है, फिर प्लस 2AgNO3 प्लस 2NH4OH गेप्स, हमें यहां पे क्या मिलेगा, तो हमें यहां पे मिलेगा C2Ag2, ठीक है। और यही जो होगा यही सफेद अवक्षेप होगा, जो C2Ag2 यही आपका सफेद अवक्षेप होगा, ये आपको ध्यान रखना है, प्लस इसके बाद 2S2O प्लस 2NH4NO3 ये आपको मिलेगा, इतनी बड़ी रिएक्शन आपकी है। देखिए C2Ag2 जो ये लिखा हुआ है इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये आपको समझ लेना है, इसको हम जानते हैं सिल्वर एसिटिलाइड के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा सिल्वर एसिटिलाइड के नाम से इसको जानते हैं, और यही क्या होगा सफेद अवक्षेप होगा, ध्यान रखिएगा क्या सफेद अवक्षेप यही होगा, ये आपको ध्यान रखना। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे आते हैं, देखिए ये सब क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आप एक बार पहले सॉल्व किए रहे तभी आप कर पाएंगे, ये सोचे कि कभी सॉल्व भी नहीं किया और डायरेक्ट आंसर करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटिलीन गैस होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, एसिटिलीन का फॉर्मूला C2H2 होता है, इसी की पूरी रिएक्शन मैंने आपको करके बता भी दी यहाँ पे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करके विलयन के रंग को, ऑप्शन ए दिया है उड़ा देती है, ऑप्शन बी लाल कर देती है, ऑप्शन सी हरा कर देती है, और ऑप्शन डी दिया हुआ है कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा, क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करके विलयन के रंग को, चार ऑप्शन मैंने पहले आपको बता दिए हैं, देखिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है,
और ये क्वेश्चन भी आपकी बुक का ही है। आपके सिलेबस में एक चैप्टर है केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण गैसें, उस चैप्टर में जाइएगा, थ्योरी पार्ट को चेक कीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हरा कर देती है। क्या कर देती है? हरा कर देती है। देखिए इसकी भी रिएक्शन काफी लंबी है, चलिए मैं आपको रिएक्शन लिख के यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बुक में आपके दिया गया, आप चेक कर सकते हैं। जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा? K2Cr2O7, ठीक है, ये मिलेगा प्लस 4H2SO4, H2SO4 प्लस 3H2S, ठीक है, इनकी रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा? K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 7H2O और फिर लास्ट में प्लस 3S, ये मिलेगा। तो इतनी बड़ी आपकी रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार क्वेश्चन लीजिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिएक्शन देख लीजिएगा, आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलता है? हरा रंग। क्या? हरा, हरा कर देती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कर देती है? हरा कर देती है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो यहाँ पे लिखा है Cr2SO4 का होल थ्राइस, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम क्रोमियम सल्फेट के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, क्रोमियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करके विलयन के रंग को हरा कर देती है। देखिए अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा हुआ, तो देखिए पूरी रिएक्शन जब आपकी होगी तो यहाँ पे H2SO4 भी आता है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए ये सब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस होगी तो आंसर कर पाएंगे और नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन सेट किए जाते, कभी कभी क्या होता है केमिस्ट्री का पेपर ही पूरा डिफरेंट बना दिया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि H2S में बंध होगा, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में पूछा गया, चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक स्पेशल ट्रिक ऑलरेडी बताई हुई है, देखिए बहुत सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। देखिए H2S लिखा है ना, H2S जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, HS लिखा हुआ है, इसमें आपको हस का साउंड आएगा, हस का साउंड आया ना, इसी का उल्टा कर दीजिए, हस को उल्टा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सह, यानी सह संयोजक होता है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस ट्रिक को कनेक्ट करके आप इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत कर पाएंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो, ठीक है। देखिए H2S लिखा हुआ था, ठीक है, H2S में HS आ रहा है, हस का साउंड, इसी का उल्टा कर दीजिए, सह, यानी सह संयोजक, बड़े आसानी से कर पाएंगे। और एक ही ऑप्शन में आपका दिया भी हुआ है सह संयोजक, बस ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में टोटल 12 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में दोबारा पूछे आ सकते हैं। और आपकी बुक में वो सब क्वेश्चंस नहीं दिए हैं तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।